इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर बता दें आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फानी तूफान का असर देखा जाएगा। 20 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, कई फ्लाइट्स और ट्रेनें जिसके चलते प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें उड़ीसा के बाद अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फानी तूफान का असर दिखेगा। इसके साथ ही देश भर में आधे से ज्यादा देश फानी तूफान की चपेट में है। 20 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले की संभावना जताई जा रही है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से यह हवाएं चल रही हैं, कई फ्लाइट और ट्रेनें जिसके चलते प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखेगा फानी तूफान का असर। 20 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से यह हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते कई फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स और ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग ने इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया। आपको बता दें देश भर में आधे से ज्यादा देश फानी तूफान की चपेट में है और अब इसका असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव नारायण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, फानी तूफान आखिर है क्या? देखिए मैं अमिता जी आपको बता दूं, बेसिकली ये श्रीलंका से होता हुआ एक चक्रवात है, मौसमी चक्रवात है, जो मौसमी परिस्थितियों का एक तीव्र हवा के साथ आता है। जी जी, तो ये इस समय श्रीलंका से होते हुए भारत की तरफ प्रवेश कर रहा है, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्यों को जो तटीय राज्य हैं समुद्र के, वहां पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है। इस फानी तूफान के कारण इसको फानी के नाम दिया गया है। फानी माने तीव्र होता है, घातक होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है, श्रीलंका ने इसको नाम दिया था। तो ये बड़ा, इसमें हवाओं की स्पीड 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और इसमें समुद्र में 10 से 15 फीट तक ऊंची लहरें उठती है जो तबाही मचाती है। जी शिव नारायण, जानकारी के अनुसार देश भर में आधा देश फानी तूफान की चपेट में आ चुका है, तो इससे क्या कुछ नुकसान हुआ है उन राज्यों में? जी देखिए मैं बता दूं, अभी आज उसके भारत की अगर हम बात करें तो आज उसके उड़ीसा तट पर टकराने की संभावना है और इसमें जिस समय ये उड़ीसा तट से टकराएगा उस समय हवा की स्पीड लगभग 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 10 लाख से अधिक लोगों को तटीय क्षेत्रों से हटाया गया है। उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वहां से भी लोगों को सावधान रहने की लिए कहा गया है। इसका असर बहुत सारे राज्यों में है, हालांकि जो समुद्र किनारे के राज्य वहीं ज्यादा है, समतली जो इलाके हैं वहां पर उसका उतना नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हवाओं से जो उसका जो असर ये है कि कुछ और अन्य राज्यों में हवाएं चल सकती है, तापमान में गिरावट आ सकती है, कहीं कहीं बारिश होगी, ओलावृष्टि की संभावना भी रहेगी। अगर हम मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर किन किन जिलों में फानी तूफान का असर देखा जा रहा है? जी शिव नारायण जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी जी, अगर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किन किन जिलों में अभी तक फानी तूफान का असर देखा गया है? देखिए अभी इसका असर अभी नहीं है, इसका अगले 24 घंटे में असर मध्य प्रदेश के लगभग 15 से 20 जिलों में देखने को मिलेगा, जिसमें खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, होशंगाबाद है, या जो जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं वहां पर कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है, जहाँ हवाओं की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी होगी, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है, लेकिन ये अगले 24 घंटे में दिखाई देगा। जी शिव नारायण, जिस तरह से आपने बताया कि अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इसका असर देखा जा सकता है, 15 से 20 जिले हैं जो फानी तूफान की चपेट में आ सकते हैं, तो इसको लेकर प्रशासन ने किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की रखी है? देखिए हमारे यहाँ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, उड़ीसा की तरफ से आने वाली जो ट्रेनें हैं बहुत सारी ट्रेन निरस्त कर दी गई हैं,
प्रशासन ने भी सूचना पहुंचा दी है, मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट है कि सावधान रहे, है ना, जिस समय हवाएं चले उस समय थोड़ा सावधान रहे। हालांकि नुकसान जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होगी, बारिश हो सकती है हल्की से, कहीं कहीं थोड़ा मध्यम बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ नुकसान हो ऐसी संभावना कम है। जी श्रीनारायण, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम जानकारी देने के लिए आपको बता दें, भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फानी तूफान का असर दिख सकता है। आपको बता दें कि 20 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चलती हैं, जिसका असर कई जिलों में देखा जा सकता है। इसके साथ ही कई फ्लाइट्स और ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें आधे से ज्यादा देश फानी तूफान के चपेट में आ चुका है, जिसके चलते अब